दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप इसको यहाँ से लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं। वन विभाग में बम्पर भर्तियां निकली है 12वीं क्लास पास के लिए, सुनहरा अवसर है इन भर्तियों के लिए आवेदन करने का। जी हाँ दोस्तों, दो पोस्ट यहाँ पर निकली है, फॉरेस्ट बीट ऑफिसर यानी कि FBO और असिस्टेंट बीट ऑफिसर यानी कि ABO के लिए। फॉरेस्ट बीट ऑफिसर के लिए सैलरी 49,870 तक प्रोवाइड की जाएगी और असिस्टेंट बीट ऑफिसर के लिए 40,060 तक पर मंथ के लिए सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या इन दो पोस्ट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या आपको इन भर्ती के लिए आवेदन शुल्क जमा करना होगा, कैसे इनमें आपका सिलेक्शन किया जाएगा, क्या पैटर्न है सिलेक्शन के लिए, क्या फिजिकल वगैरह है, पूरी जानकारी हम आपको डिटेल्स में देंगे। साथ ही साथ हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि कैसे आप इसकी नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो और कैसे आप इस भर्ती के लिए सिंपली आवेदन कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, कब से कब तक आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो ये भी हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं इस भर्ती की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, टोटल 430 वैकेंसी इस भर्ती के लिए यहाँ पर निकली है। पोस्ट है इसमें फॉरेस्ट बीट ऑफिसर और असिस्टेंट बीट ऑफिसर की। नंबर ऑफ वैकेंसीज आप यहां से देख सकते हो, टोटल हम आपको डिटेल्स में भी जानकारी देंगे कि क्या इसकी PDF में डिटेल्स दी गई है। सैलरी की बात की जाए तो फॉरेस्ट बीट ऑफिसर के लिए 16,400 से 49,870 पर मंथ के लिए प्रोवाइड की जाएगी और असिस्टेंट बीट ऑफिसर के लिए 15,030 से 40,060 रुपये है। वहीं बात क्वालिफिकेशन की जाए तो 12वीं क्लास पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 30 वर्ष है। आयु की गणना 1/7/2019 से की जाएगी। जॉब लोकेशन की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश है। इंडिया में आप किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हो। वही बात आवेदन शुल्क की जाए तो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस ऑल कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपये है। एप्लीकेशन फी जनरल या OBC के लिए ओनली 80 रुपये है। फीस आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा स्क्रीनिंग टेस्ट और ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, फिजिकल की भी हम आपको जानकारी देंगे पूरी डिटेल्स में इस वीडियो में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट है psc.ap.gov.in। डेट की बात की जाए तो ऑनलाइन आवेदन इस भर्ती के लिए 5 मार्च से स्टार्ट होंगे। आप 27 मार्च 2019 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। फीस जमा करने की लास्ट डेट 26 मार्च 2019 है। तो चलिए दोस्तों, इसकी नोटिफिकेशन की PDF देख लेते हैं जो कि हम डाउनलोड कर चुके हैं। आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने नोटिस जारी किया है। नोटिफिकेशन नंबर 7/2019 है। 2019 का 7वां ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है फॉरेस्ट बीट ऑफिसर और असिस्टेंट बीट ऑफिसर पोस्ट के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत। पोस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो। एलिजिबल इंडियन कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट यहाँ पर देख ही सकते हो आप, 18 से 30 वर्ष आयु सीमा है। आयु की गणना 1/7 से की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट psc.ap.gov.in से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। 5 मार्च 2019 से 27 मार्च 2019 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। 26 मार्च 2019 फी जमा करने की यहाँ पर लास्ट डेट दी गई है। उसके बाद दोस्तों जैसे आप इस पेज को स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो इसका एग्जाम हेल्ड होगा उसकी भी यहाँ पर डेट्स दी गई है। आप यहाँ से चेक कर सकते हो। अगस्त महीने में यहाँ पर इसका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसकी डेट यहाँ पर अगस्त 2019 में टेंटेटिव दी गई है। उसके बाद जैसे आप इस पेज को और स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आप वैकेंसीज की जानकारी देख सकते हो। सबसे पहले आप यहाँ पर क्राइड फॉरवर्ड वैकेंसीज देख सकते हो। उसके बाद हम आपको फ्रेश वैकेंसीज की भी जानकारी देंगे। फॉरेस्ट बीट ऑफिसर पोस्ट के लिए 17 वैकेंसीज है। यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट कैडर वाइज देख सकते हो, 16,400 से 49,870 सैलरी है। असिस्टेंट बीट ऑफिसर के लिए 9 वैकेंसीज है। यहाँ पर सैलरी 15,030 से 40,060 रुपये है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद जैसे आप इस पेज को स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आप फ्रेश वैकेंसीज की जानकारी देख सकते हो। फॉरेस्ट बीट ऑफिसर के लिए 313 वैकेंसीज है। असिस्टेंट बीट ऑफिसर के लिए 91 वैकेंसीज है। या दोस्तों, उसके बाद यहाँ से आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो। इंडियन सिटीजन होना अनिवार्य है तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से आप पूरी डिटेल्स चेक कर सकते हो, एलिजिबिलिटी की यहाँ पर डिटेल्स में दी गई है। वही बात क्वालिफिकेशन की जाए तो फॉरेस्ट बीट ऑफिसर के लिए यहाँ पर देख सकते हो 12वीं क्लास पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हो। फिजिकल रिक्वायरमेंट भी आप देख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, दोनों पोस्ट के लिए यहाँ पर
एलिजिबिलिटी यहाँ पर सेम दी गई है, क्वालिफिकेशन भी, फिजिकल रिक्वायरमेंट भी आप देख सकते हो, यहाँ पर डिटेल्स में पूरी जानकारी दी गई है। 163 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट दी गई है और चेस्ट की बात की जाए तो 84 सेंटीमीटर है बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य, यानी कि यहाँ पर 89 फुलाने के बाद होना अनिवार्य। उसके बाद यहाँ पर आप वोमेन के लिए देख सकते हो, वोमेन कैंडिडेट्स के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट है। वहीं बात चेस्ट की जाए तो आप यहाँ से देख सकते हो 79 सेंटीमीटर है बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के लिए भी छूट देख सकते हो, चेस्ट और हाइट में यहाँ पर छूट दी गई है। आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके पूरा रीड कर सकते हो, क्वालिफाइंग टेस्ट भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो, डिटेल्स में पूरा यहाँ पर दिया गया है। NCC-C सर्टिफिकेट होल्डर के लिए 5 यहाँ पर बोनस मार्क्स इसमें दिए जाएंगे, और NCC-B सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पर 3 बोनस मार्क्स दिए जाएंगे। NCC-A सर्टिफिकेट होल्डर के लिए 1 बोनस मार्क्स इसमें दिया जाएगा। कॉमन फॉर मैन और वोमेन के लिए है, जो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, जैसे आप इस पेज को स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप यहाँ से रिजर्वेशन वगैरह चेक कर सकते हो, साथ साथ यहाँ से आप लोकल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्वेशन चेक कर सकते हो, डेफिनेशन ऑफ लोकल कैंडिडेट्स भी आप यहाँ से रीड पूरा कर सकते हो। उसके बाद जैसे आप इस पेज को और स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको और भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर डिटेल्स देख सकते हो डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन की, यहाँ पर पूरी डिटेल्स में दिए गए, जैसे कि सिरकुलम और विजयनगरम, विशाखापट्टनम, ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर, नेलोर, यहाँ पर अलग अलग आप पूरे डिस्ट्रिक्ट चेक कर सकते हो, साथ में डिवीजन भी आप यहाँ से रीड कर सकते हो। बात अगर आयु सीमा की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो 18 से इसमें 30 वर्ष आयु सीमा दी गई है, यानी कि 1/7/2019 गणना इसकी की जाएगी। साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हो, यानी कि इसमें जन्म होना चाहिए 2 जुलाई 1989 से 1 जुलाई 2001 के बीच में, ये दोनों दिन भी इसमें जोड़े जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, SC/ST और BC के लिए 5 साल की छूट दी गई है, यानी कि इसके लिए मैक्सिमम आयु सीमा 35 वर्ष है। उसके बाद यहाँ पर आप हाउ टू अप्लाई देख सकते हो कि कैसे आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। सबसे पहले आपको इस भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालने के बाद सिंपली ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, 1 टाइम पासवर्ड रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पर देख सकते हो, 1 टाइम आपको यहाँ पर इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको चाहिएगा, उस पर आपका 1 टाइम पासवर्ड आएगा, उसी के से आप इस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फिर से लॉगिन करना होगा, उसके बाद आपको पूरी डिटेल्स उसमें फिलअप करनी होगी, पेमेंट आपको उसमें करना होगा जो उसमें पेमेंट मांगा गया है, उसके बाद जो जो उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने होंगे वे करने होंगे, आपको सिग्नेचर और फोटोग्राफ्स भी आपको अपलोड करने होंगे। जी हाँ दोस्तों, अपलोड करने से पहले आपको ये देखना होगा कितने साइज में आप अपलोड कर सकते हो। फीस की बात की जाए तो 250 रुपये आपको यहाँ पर फीस जमा करनी होगी, 80 रुपये इसमें प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर दी गई है। SC/ST/BC के लिए भी आप देख सकते हो, और साथ साथ यहाँ पर एग्जामिनेशन फीस 80 रुपये इसके लिए यहाँ पर दी गई है। उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट यहाँ से भी आप देख सकते हो, कैसे कैसे आप यहाँ पर फीस पेमेंट कर सकते हो, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन और सेंटर वगैरह भी आप यहीं से देख सकते हो। स्कीम की बात की जाए तो सबसे पहले आप यहाँ पर इसका एग्जाम प्रोसीजर पूरा चेक कर सकते हो, एग्जाम पैटर्न यहाँ पर दिया गया है, इसको आप डिटेल्स में यहाँ से रीड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, आप यहाँ से डिवीजन वाइज वैकेंसीज पूरी चेक कर सकते हो, डिवीजन वाइज आप यहाँ से इस टेबल में अलग अलग डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के लिए वैकेंसीज दी गई है। वीडियो को पॉज करके आप यहाँ से फ्रेश वैकेंसीज और यहाँ पर जो क्राइड फॉरवर्ड वैकेंसीज है उनको पूरी चेक यहीं से कर सकते हो, टेबल में दी गई है। उसके बाद बात अगर एग्जाम पैटर्न की जाए तो जनरल स्टडीज और मेंटल एबिलिटी के लिए 75 क्वेश्चन है, यहाँ पर टाइम की बात की जाए तो 150 मिनट है, और जनरल साइंस और जनरल मैथमेटिक्स SSC स्टैंडर्ड लेवल है 75 इसके लिए क्वेश्चन है, यहाँ पर टोटल दोनों के लिए यहाँ पर 150 मिनट है, 75 इसमें मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं, टोटल मैक्सिमम मार्क्स भी यहाँ पर 150 दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, निगेटिव मार्किंग वगैरह आप यहीं से चेक कर सकते हो। बात अगर सिलेबस की जाए तो सिलेबस भी यहाँ पर दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ऑल पेपर्स होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे सभी पेपर्स। जनरल स्टडीज और मेंटल एबिलिटी के लिए आप यहाँ से डिटेल्स में सिलेबस पढ़ सकते हो, जैसे कि जनरल साइंस के लिए आप यहाँ से पूरा सब्जेक्ट वाइज पढ़ सकते हो, करंट इवेंट्स, हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लिए, और साथ साथ यहाँ पर स्टेप वाइज 1 by 1 आपको सिलेबस डिटेल्स में पूरा दिया गया है। अप्लाई करने से पहले या फिर एग्जाम देने से पहले आप ये पूरा सिलेबस ध्यानपूर्वक पढ़े, इसको पूरा पढ़ने से आप सिंपली एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर सिलेबस पूरा दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर मैथमेटिक्स SSC स्टैंडर्ड के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पर दिया गया है, अर्थमेटिक, अलजेब्रा यहाँ पर देख सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, मेसुरमेशन, स्टेटिस्टिक्स यहाँ पर पूरा आप चेक कर सकते हो। साथ ही साथ रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए देख सकते हो, फॉरेस्ट बीट ऑफिसर और असिस्टेंट बीट ऑफिसर के लिए राइटिंग ऐसे करना होगा इंग्लिश या फिर यहाँ पर तेलुगु या फिर उर्दू में 50 मार्क्स है, एक क्वेश्चन इसमें दिया जाएगा, 30 मिनट यहाँ पर दिए गए हैं। पेपर फर्स्ट जनरल स्टडीज और मेंटल एबिलिटी के लिए जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा 100 मार्क्स है, 100 क्वेश्चन है,
और 100 मिनट का यहाँ पर टाइम दिया गया है। पेपर सेकंड में जनरल साइंस और जनरल मैथमेटिक्स के लिए देख सकते हो 100 मार्क्स है, 100 क्वेश्चन है, 100 मिनट का टाइम यहाँ पर दिया गया है। तो टोटल यहाँ पर 200 मार्क्स इसमें दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ से पूरा सिलेबस इस तरह ये भी रीड कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप ये पूरा सिलेबस आसानी से यहीं से रीड कर सकते हो। साथ साथ यहाँ पर आपको और भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो आप अप्लाई करने से पूरा रीड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अप्लाई करने से पहले आप ये पूरी ऑफिशियल नोटिफिकेशन ध्यानपूर्वक पढ़ लें, इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। साथ साथ दोस्तों, अगर आपको भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और इस पेज पर पहुंचकर इस पेज के एंड में देख सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ की टैब दी गई है, इस टैब पर आप क्लिक करके इसकी नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए भी टैब दी गई है, जैसे आप इस टैब पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर इसका ऑनलाइन का पोर्टल ओपन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस भर्ती के लिए आप 5 मार्च से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, यहीं से आप लॉग इन करके ऑनलाइन आवेदन सिंपली कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भर्ती की पूरी जानकारी। वन विभाग में फॉरेस्ट बीट ऑफिसर और असिस्टेंट बीट ऑफिसर की जो भर्ती निकली है उसकी पूरी जानकारी हमने आपको डिटेल्स में दी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी बिग अपडेट अपलोड करते हैं।